खान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस ने कराची में अपनी ताकत का दूसरा बड़ा मुजाहरा कर दिया। गुलशन इकबाल कराची में चेयरमैन PEC के उम्मीदवार इंजीनियर अशफाक शाह ने खिताब करते कहा है कि मुल्क का सरमाया मुस्तकबिल है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंजीनियर को टेक्निकल अलाउंसेस से महरूम किया हुआ है और तमाम अदारों में पेशा के अतबार से अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन किसी इंजीनियर को टेक्निकल अलाउंसेस से महरूम करना चाहती है। मैं और मेरी टीम आपके ये हकूक दिलवाएंगे। इसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाकर अपना वोट का हक अदा करना होगा। अगर आप इस रोज घर बैठे तो आप और मुल्क की माशी तरक्की नामुमकिन है। गुज़श्ता इलेक्शनों में इंजीनियर्स का वोट का टर्न आउट 9 से 10% रहता है, जो काबिल तशवीश। अपने वोट की अहमियत को पहचाने, इस टर्न आउट को बढ़ाएं। यही वक्त है आप घरों से बाहर आए और वोट की ताकत से बारियां लेने वालों को सबक सिखा दें। अब घरों से बाहर निकले, वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 18 अगस्त का सूरज यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। इस मौके पर GP मेंबर्स के उम्मीदवारों ने भी खिताब किया और इंजीनियर्स को दरपेश मुश्किल और उसके हल के लिए यकीन दहानी कराई। गवर्नर वाडे के मेम्बरान जिसमें इंजीनियर आरिफ कासिम, इंजीनियर सैयद मोहम्मद ताहा, इंजीनियर सलीम अहमद सदीकी, इंजीनियर डॉक्टर सैयद मशाहिद हुसैन हाशमी, इंजीनियर शफी मोहम्मद चाचड़, इंजीनियर अयाज़ अहमद शोकली, इंजीनियर जहांगीर रजा, इंजीनियर डॉक्टर बिलाल अहमद अलवी, इंजीनियर अजीज़ुल्लाह सोमरू, इंजीनियर मोहम्मद इकबाल, इंजीनियर शफकत हुसैन, इंजीनियर वकार हुसैन दिगर का कन्वेंशन खिताब और यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर कैप के अहदेदार SM नईम काजमी, सईद मुगल, रजा अबदी, आबिद बरनी, शेख इसमाइल अजीम के अलावा इंजीनियर मोइन फारूकी और मुल्क भर से तामीराती से सनत से वाबस्ता अफराद ने भी यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस के मुनक़िदा कन्वेंशन में शिरकत की और अपनी कंपनी के इंजीनियर से यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट देने की यकीन दहानी कराई। भाई, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त और जिस दौर से और जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त वर्ल्ड की जो डिमांड है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। इस इंतहा तक बढ़ने के, यानी कि मैं ये समझूँगा अगर मैं तो अगर इस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम्स मौजूद है, इसमें जो PEC और HEC ने जो एक स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम दे दिया है, तो वो उससे हमको जो है अलग होना पड़ेगा और उसमें मल्टी डिसिप्लिनर और स्किल के को डालना पड़ेगा। जो एक्चुअली सिस्टम है उसमें 30% आपकी नॉलेज है, 70% दर दर नौकरी की तलाश में है। पाकिस्तान के माशी हालात आपके सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो किरदार है वो बड़ा कलीदी किरदार है और बदकिस्मती से ये उन लोगों के हाथों में चला गया जो भेस बदल कर बारी बारी लेते हैं वो अपनी बारी। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत हो या मुल्क की सिमत हो, मुल्क के मामलात हों, मुल्क में अमन अमान हो, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल हो, लेके चले हैं। यानी नौजवान यंग इंजीनियर्स को उसके हकूक दिलाना। जो फजूल ख़र्चियाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो पुरानी बॉडीज़ कर रही है, म्यूज़िकल चेयर आपस में तब्दील कर रहे हैं, उनकी ये बारियाँ ख़त्म करनी है। और हमने ईमानदारी, दयानतदारी, जिस तरह हमने सर्व किया अपने सर्विस में, उसी ईमानदारी दयानतदारी से हमने आगे बढ़ना है और कोशिश ये करना है कि जो पाकिस्तान इंजीनियर्स हैं उनको इंजीनियर्स का हक मिले और इंजीनियर्स आर द टैलेंट ऑफ राइट। इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करें। किस तरह से कैच करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो मुल्क में प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, वो इंजीनियरिंग की दूसरी प्रोडक्ट्स हों, जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को जो है ना उनका लेवल हाई करें। और उसके लिए करने के लिए हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। करप्शन कर रहा है हर सतह पर, हर जगह लूटमार का बाजार का गर्म है। आप चाहे जो हमारे इदारे हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे कहते हैं, आइनी इदारे कहते हैं, आप उन्हें देख लें, पॉलिटिशियंस को देख लें। और इसी तरीके से ये करप्शन जिस तरह रच बस गई है वो ना सिर्फ कि मुल्की जड़ों को खोखला कर रही है बल्कि इस
ملکی عوام کو مایوس بھی کر رہی ہے، اس لیے کہ پھر کرپشن لوٹ مار کی وجہ سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے عوام میں بددلی اور مایوسی پھیل رہی ہے۔ ہم ان نوجوانوں بچوں کو، ینگ انجینئرس کو اپنے دیکھ کر ہی ہم آگے آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، ان کو جابیں نہیں ملتی۔ یہ سب کام تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، اور انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور دیتے ہیں تو اپنی صرف لگژری یوز کرنے کے لیے پہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کی پلاننگ صرف 5-star ہوٹلوں میں رہنا اور بزنس کلاس کو یوز۔ اگر تقریریں سنی ہوگی تو اس میں ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہم نے چنے ہیں جو انتہائی ایماندار اور باقاعدہ ریپوٹیٹڈ لوگ ہیں جو بنے ہوئے ہیں۔ جو پہلے کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے وعدے دلا سے سب کو دے کے ابھی تک یہ ہے کہ ایک معمولی ٹیکنیکل الاؤنس ہے وہ تک نہیں کرا سکے ہیں وہ لوگ۔ جبکہ دیکھیں ڈاکٹروں میں جب بھی ڈاکٹر کوئی کام کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو لگاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے ان کا، میں نے آج کل عرض کیا، وی ہیو دی ول اینڈ وی ہیو دی ڈیٹرمنیشن ٹو ڈو سم تھنگ۔ اور جہاں پر دیانت ساتھ، جیسے میں آپ نے پہلے سن لیا ہو، کمبینیشن آف آل دیس تھنگس، سولوشنز آر دیئر اینڈ دے کین بی ڈن۔ پلان ہے، مینیفیسٹو ہے جس پر ہم نے عمل کرنے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم اینڈ شو دیم اینڈ پروو دیم۔ دیکھیں اگر یہ ان کا اعتماد یہ ہمارا بھی کھو دیں یا ہم ان کا کھو دیں تو دین اٹ از آل اوور۔ وی آر جسٹ لوکنگ فار دیئر فیوچر۔ ہم تو اپنی زندگی گزار بیٹھے، ہم تو اس بچوں کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ ان شاء اللہ میں بڑا کمیٹڈ ہوں اس معاملے میں مائی ٹوٹل ٹیم دیٹ وی ہیو ٹو ڈیلیور، اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن۔ میرا جو جوان ہے، میرا جو ینگ انجینئر ہے، اس کو جیسے کہ اوور آل پاکستان میں ہی ہے کہ ابھی اس کو مستقبل میں کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اگر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہم، اللہ تعالی ہمیں اگر منتخب کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم آ کے انڈسٹری اکیڈمیا کا لنکیج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بہت